ये जस्टिस का रैली एंड इसमें आपको एक भी मीडिया वाला नहीं दिख रहा। तो गाइज अभी हम लोग निकलने वाले रात के बोले तो ऑलमोस्ट 10 बज गए एंड 10 बजे का टाइमिंग था एक्चुअली। तो हम लोग ना एक रैली निकाल रहे, जितने भी बंगाल के सब बड़े बड़े राइडर है ना वो लोग रैली निकाल रहे, बस उसमें हम भी शरीक हो जाएंगे। छोटा सा मतलब गुनाहगार सा राइडर समझ, मतलब बाहर में बारिश हेवी वाला हो रहा गाइज, फिर भी पता नहीं कैसे जाऊँगा एंड वहाँ पे बोले तो अपॉइंटमेंट भी एक तरफ से हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया समझ रहे। मतलब जितने भी राइडर्स हैं ना छोटे बड़े वैदिक दाई वगैरह वगैरह सब लोग वहाँ पे पहुँचे रहेंगे, तो ये भी एक इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा भाई, उनको देख के इंस्पिरेशन आ सकता है समझ रहे मतलब। तो भाई ये जस्टिस अर्जी कौर में जो हमारा हमारी ये बहन बबीता देवनाथ का जो ऐसा हुआ ना उसको लेके हम लोग को भाई जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। तो भाई उसको लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पातुली से चलेंगे 2 किलोमीटर, एक कॉलेज है कोई कॉलेज है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ से फिर पातुली में आके हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं ठीक है। तो मतलब पीसफुली नो हॉर्न, हेलमेट रहेगा हम लोग के पास, एक बाइक पे 2 बंदे ही रहेंगे, बट मतलब हर चीज़ ना एक सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन के अंदर में हम लोग जो करने वाले गए। सो बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ, आई होप इंटरेस्टिंग ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी वी वॉन्ट जस्टिस का नारा लगाते रहो भाई। फाइनली हम पहुंच गए पातुली गाइस, और यहाँ पे देखने को मंजर जो मिला ना, ये वैदिक दहन जो हमारे सामने खड़े हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर एंड बड़े यूट्यूबर है समझ, मतलब बड़े राइडर हैं भाई, लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं एंड इनके साथ साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं गाइस, देख रहे हो मतलब अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके पता चला ना, हमको लगा कि बाइक राइडिंग होगा मतलब बाइक पे रैली निकाला जाएगा जैसे कि मतलब पहले पता, उसके बाद वैदिक दहन लाइव आकर सबको बताया भाई कि ये प्रशासन मना कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं ना कि वो लोग एक लिमिट पूछा कितना लिमिट होगा, लेकिन जब ये लोग बताए ना कि 100-150 तक बाइक जा सकता है तो बोला कि इतना का अनुमति हम नहीं देख सकते, मतलब इतने लोगों का प्रदर्शन, इतने लोगों का परमिशन हम नहीं दे सकते। जिदान भैया भी साथ में देख सकते हैं आप, और सारे लोग जब जमा हो गए ना तो एक जो मॉनिटर होता है ना जो सबको लीड करते हैं भाई, तो वो मतलब सबको बताने लगे कि भाई इस तरह से चलना है, इस तरह से कोई मतलब हार्मफुल तरीके से नहीं चलना है, मतलब नो हॉर्न नो एनीथिंग, मतलब कुछ बाइक है अलाउड ऐसा नहीं है, मतलब 8-10 बाइक, क्योंकि भाई जितने भी दिख रहे ना आपको दूर दूर से आए हुए सब लोग बड़े बड़े क्रिएटर है, और जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे ना सब यूट्यूबर है भाई, और ज़्यादा तर लोग इसमें ना क्रिएटर देखने को मिलेंगे गाइस, तो इस वजह से सब लोग को बता दिया जा रहा है नो हॉर्न एंड सब अपने अपने हेलमेट को उठा कर रखें, मतलब एक पीसफुली के तरीके गाइज एक्चुअली ना ये बाइक मार्च होने वाला, तो अभी ना 4-5-6 मतलब 10 तक ऑलमोस्ट 10 बाइक तक अलाउड किए हैं यहाँ के जो पुलिस है प्रशासन जो भी है, तो भाई 10 बाइक और यहाँ पे एंड भाई यहाँ से हमारा जिदान भैया पीछे ही रह गए। एक्चुअली हम लोगों का भी शौक था भाई कि बाइक से ही चलेंगे, जस्टिस का मांग बोले तो बाइक से करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ भाई, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ना ये भी तो 10+ यहाँ पे बाइक में को दिख रहा, बाकी सब लोग पीछे से कैंडल मार्क कर रहे हैं देख रहे। तो फाइनली गाइस एक चीज़ ना मेरे को मतलब खाई जा रही है पता क्या, क्योंकि इस रैली में ना ये जस्टिस का रैली एंड इसमें आपको एक भी मीडिया वाला नहीं दिख रहा। हाँ इधान व्हाट यू वांट टू से, नहीं मीडिया वाला है TV9 बांग्ला वर्ल्ड का जो चैनल है, मतलब एक मीडिया वाला इधान भाई बोल रहे एक मीडिया वाला है, लेकिन अदरवाइज और जितने भी गोदी मीडिया ना एक भी नहीं दिख रहे भाई। सो अभी पता नहीं कौन कोई कॉलेज है गाइस वहाँ तक ये रैली जाएगी एंड उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न बैक हाथ भी चलेंगे ठीक है। गाइज आप सबसे एक सवाल है कि 14 से 15 दिन हो गए मुसलसल अभी तक रेपिस्ट पकड़ाया क्यों नहीं है, CBI क्या कर रही है? चलो हम मानते हैं कि कोलकाता पुलिस इस मैटर को झांपने में पोतने में निपने में लगा रही थी, लेकिन अब CBI का आए हुए 10 दिन हो गया भाई,
तो 10 दिन से व्हाट इज दिस, क्या कर रही है भाई सीबीआई, तो उस चीज़ पे हम लोग जस्टिस कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। मेरे बोले तो बहन को मतलब आज़ादी दो, मुक्त दो। तो बड़ी गाइस फाइनली हम लोग वहाँ से रिटर्न हो के भाई अब आ गए वापस से पातुली, बोले तो जो मेन जंक्शन है ना जो पातुली मोड़, तो वहाँ पे फाइनली आ गए। देख सकते भाई ये हमारे बाइक लेडीज राइडर है जो भी, और ये लोग आगे आगे चल रही हैं और पीछे पीछे भी कई सारे लोग हैं भाई। बोले ना नहीं भी तो 300 के करीब लोग होंगे, हालांकि इतने का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था, 100 से 150 लोगों का, और पीसफुली मतलब ये था। लेकिन यहाँ पे तो भाई 300 लोग दिख रहे हैं और पीसफुली तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनली हम लोग आ गए पातुली मोड़, यहाँ से एक मैसेज जा रहा है कि मतलब आप अगर पीसफुली प्रोटेस्ट भी करते हो ना तो आपको वो अहमियत दी जाएगी। गाइस देख रहे हो मतलब चारों तरफ से गाड़ी रोक दिया गया, मतलब ट्रैफिक रोक दिया गया, और हम लोगों का बोले तो पहले रैली को जाने दिया जा रहा, और हम लोग फाइनली पातुली मेन जो पॉइंट है ना मेरिंग पॉइंट, वहाँ पे हम लोग का यहाँ पे भाषण हुआ था, एंड कई सारे क्रिएटर हैं जो मतलब भाषण दिए थे, बट तो अपना स्पीच दिए थे, सॉरी हम हिंदी में बोलते भाषण लेकिन स्पीच दिए थे, एंड कई सारे यूट्यूबर जो थे वो ड्रोन भी उड़ा रहे थे, वो भी मतलब कोई मतलब उसको बोलने वाला नहीं था, क्योंकि भाई सारे क्रिएटर है गाइस, सब अपने अपने तरीके से, और कई सारे ब्लॉग आए हैं, पूरा यूट्यूब भर जाएगा जब हमारा वीडियो जाएगा काफ़ी लेट में। गाइस हम सबका यही कहना था कि भाई हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, ना कोलकाता पुलिस, ना गवर्नमेंट, ना सीबीआई, बस मेरे को मेरी बहन का जस्टिस चाहिए भाई। जो उन्होंने सहा, जो दर्द उन्होंने पेन किया यार, क्या बताऊँ गाइस। बोले तो देख सकते हो छोटे छोटे क्रिएटर देख रहे हो, मतलब सब लोग स्पीच दे रहे हैं भाई। वैदिक दा जो बंगाल के बड़े राइडर है भाई, वो सामने चल रहे हम लोग, और हम लोग उनका पीछा कर रहे, देख रहे मतलब दो दो राइडर है, तीसरा राइडर हम लोग खड़े होंगे, सौरभ दा, सौरभ दा देख रहे पीछे सौरभ दा है, एंड आगे वैदिक दा। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से पातुली से, वी आर आउट फ्रॉम पातुली, एंड जो भी था ना प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, और बहुत अच्छा था, बोले ना बोले तो बहुत 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 अच्छा था। एक चीज अच्छा लगा कि कोई स्लोगन नहीं है, और कोई आपका बाइक भी था, कोई आपका कोई मतलब आम फूल वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस भी साथ में था, और ट्रैफिक था मतलब अच्छा, रिनोवेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ, यही है, बिल्कुल अच्छा लगा। गाइस ये प्रोटेस्ट ना अभी बोले तो जारी रहेगा, पूरा जारी रहेगा, क्योंकि ना अभी एक डेट फिक्स होगा, बोले तो कल परसों तरसों जब भी बोले तो ये लोग ये करेंगे ना डेट फिक्स करेंगे, तो फिर उस टाइम भी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई आने का, समझ रहे हो मतलब, अगर इफ़ यू वांट टू कम, अगर आप आना चाहते हो तो भाई पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई लोचा नहीं, इतना प्यारा बोले तो ना लोग है ना, इतना प्यारा क्या बताऊँ, तो अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा। जिस टाइम हम लोग 1 बजे बोले तो सब लोग चले गए थे, जितने लोग थे ना, जितने राइडर थे, सब राइडर चले गए थे भाई, हम लोग बहुत लाश में निकले, बोले तो एकदम नहीं एक दास है, एक साथ ही निकले, वैदिक का भाभी थी, एक साथ ही सब लोग, हम लोग लाश में इसीलिए इंतजार किए थे कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर मिलेंगे और अच्छे से मीट करेंगे, है सब मिल के बातचीत करके, उसके बाद तो बहुत मज़ा आएगा ना, तो मतलब हम आए ये प्रोटेस्ट में ना, प्रोटेस्ट में बहुत मज़ा आया, तो देखने को कब होता है, तो उस दिन की कोशिश करेंगे हम लोग आने का, एंड रात के 1:30 बजे ऑलमोस्ट, बहुत जितने भी ना जितने भी प्रोटेस्ट में थे ना, ज़्यादातर आपको क्रिएटर आर्टिस्ट एंड बोले तो यूट्यूबर ही देखने को मिले, सब बड़े 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 बोले ना ड्रोन वगैरह चल रहे थे, ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि नहीं ये क्रिएटर का बोले तो प्रोटेस्ट में आए हुए, ऐसा लग रहा, तो हम लोग भाई जहाँ तक हो सका पीसफुली प्रोटेस्ट किए हैं, एंड आगे भी करते रहेंगे, एंड आप भी जहाँ तक हो पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहो।